Hello friends and welcome to Sony's World. Wish you a very happy new year all of you. जितने मेरे subscriber हैं प्यारे प्यारे and I miss you a lot. और friend आज का जो topic है वो बहुत ही ज़्यादा requested है, top requested है कि skin whitening treatment हम कैसे करें. Skin whitening treatment घर पे कैसे करें. वैसे तो बाहर बहुत सारे laser therapies हैं, glutamine and all these things हैं, but it's very costly and very expensive. और हम घर पे नेचुरल तरीके से कैसे अपनी स्किन को फेयर टोन कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं, वाइटन कर सकते हैं, हाउ टू गेट फेयर स्किन एंड ग्लोइंग स्किन एट होम. तो आज मैं आपको बताऊंगी स्किन वाइटनिंग मैजिकल फेस पैक. जी हाँ, फेस पैक है ये, पर जितने भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके घर के किचन में अवेलेबल है. यानी कि हमने जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट लिया है वो है राइस फ्लावर, यानी कि चावल का आटा, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है. और नहीं है तो इसे घर में बनाना बहुत इजी है. आप चावल लें कोई से भी ब्रांड के, आप उसे मिक्सी में बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लें. वैसे तो ये मार्केट में भी हार्डली ये 30-40 रुपए का बहुत अच्छा क्वांटिटी में आ जाता है, आधा किलो क्वांटिटी में आ जाता है. और जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है लिकोराइस पाउडर, यानी कि मुलेठी पाउडर. ये भी आपको अमेजोन पे या किसी भी आपको किराने की शॉप पे मिल जाएगा. और जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध. तो फ्रेंड आज आप अपने घर पे बनाए स्किन व्हाइटनिंग फेस मास्क हम बनाना स्टार्ट करते हैं. और फ्रेंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने भी मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. तो स्टार्ट करते हैं स्किन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट, DIY स्किन व्हाइटनिंग मैजिकल फेस मास्क. सो फ्रेंड ये स्किन व्हाइटनिंग पैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए ये 1 चम्मच राइस फ्लावर है, यानी कि चावल का आटा. और हमें 1/2 टेबल स्पून डालना है लिकोराइस पाउडर, यानी कि मुलेठी पाउडर. तो मैं इसमें लगभग 1/2 चम्मच डाल रही हूँ मुलेठी पाउडर. और हमको डालना है कच्चा दूध, इतना डालना है कि हमको थिक पेस्ट मिल जाए. तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमें थिक पेस्ट मिल जाए. ये देखिए फ्रेंड हमारा फेस पैक तैयार है. और अगर आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है तो उसकी जगह आप कच्चे दूध की जगह आप दही भी यूज़ कर सकते हैं या आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं. देखिए आपकी कंसिस्टेंसी काफ़ी आपको ऐसे चाहिए कि थिक हो, ऐसी चाहिए हमको उसकी कंसिस्टेंसी. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. फ्रेंड ये हमारा बढ़िया सा फेस पैक तैयार है, स्किन व्हाइटनिंग पैक. और इसको लगाने से पहले अपना फेस अच्छे से वॉश कर लें. आपके फेस पे किसी तरह का मेकअप नहीं होना चाहिए. और अब हम फेस पे लगाएंगे इसको, हमें अपर डायरेक्शन पे अपने फेस पे लगाना है, ऐसे करके अपर डायरेक्शन पे लगाना है. ये देखिए फ्रेंड मैंने अच्छे से जो फेस पैक है अपना फेस पे लगा लिया है. जब ये 60-70% ड्राई हो जाएगा तो हम इसे मसाज करके छुड़ाएंगे. तो मैंने फेस पे लगा लिया है तो हम इसका वेट करते हैं सूखने का. फ्रेंड देखिए अभी 60-70% जो है ड्राई हो चुका है. अब हम मसाज करके इसको अपर डायरेक्शन में छुड़ाएंगे अच्छे से, ऐसे करके हमको इसको छुड़ाना है. देखिए फ्रेंड मैंने ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लिया है. और इसको आप रेगुलर 1 वीक तक लगा सकते हैं. 1 वीक बाद आपको अपनी स्किन पे जो है एक्चुअल विजिबल रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप जितने भी होम रेमेडीज अपनाते हैं उसका इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं मिलता. और इसमें जो है राइस फ्लावर यूज किया गया है. राइस फ्लावर में जो है स्किन ब्राइटनिंग एंड व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है. और मुलेठी पाउडर यूज किया है. मुलेठी पाउडर एज पर आयुर्वेदा हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग और बहुत ज्यादा फेयर टोन देता है. हमारी स्किन को गोरा बनाता है, फेयर बनाता है, और जितने भी हमारे फेस में दाग धब्बे हैं उसको भी रिमूव करता है. और जो थर्ड इंग्रेडिएंट था वो था कच्चा दूध. कच्चा दूध फ्रेंड उसमें होता है लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड भी जो है हमारी स्किन को फेयर टोन देता है, स्किन व्हाइटन करता है, ब्राइटन करता है. आई होप आपको आज का स्किन ब्राइटनिंग जो है फेस मास्क पसंद आया होगा. तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नई होम रेमेडी के साथ. टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल. बाय बाय.